अच्छा मत करो, यो कवि सम्मेलन की तो रात है। हाँ भाई साहब, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, प्रबुद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ, मंच पर विराजमान विशिष्ट कार्य साथियों को प्रणाम करता हूँ। साहब इधर भी लोग बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, सामने भी बैठे हैं, पीछे भी बैठे हैं। जो मेरे सामने बैठे हैं मैं आपको सामने से प्रणाम करता हूँ, और जो मेरे बाईं ओर बैठे मैं आपको बाईं ओर से प्रणाम करता हूँ, और मेरे दाहिने ओर जो बैठे हैं मैं आपको दाहिनी ओर से प्रणाम करता हूँ, और मेरे जो पीछे बैठे हैं नहीं साहब आप गलत बात हो सके, मैं आपको घूम के प्रणाम करता हूँ, यानी कि मेवाड़ी भाषा में कहे तो मैं गणमण का क्या प्रणाम करता हूँ सर। स्वागत साहब, बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है, और भी अच्छा चल रहा है, मेवाड़ी घो अच्छा कवि सम्मेलन चल रहे हो। ये राजस्थानी की बात करिए, और भी अच्छी मान्यता पड़नी चाहिए। मैं कहा एक दूसरा संचालक साहब चला गया, भगवान की आत्मा की शांति दे, वही तो नहीं मिल रही। साहब वो एक कह रहे हैं कि मेरी शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई। मैं वाकई मारा ने कहा तो जो भी मसालों में तुम्हारा का मसालो इससे साहब अटक बेटिया की बात भी, दिन में माता बहना की भी बात भी, पर सब पंडित का की भी बात हो रही, लेकिन कुंवरा की कहीं बात नहीं। साहब मैं एक बार वन बात गर्व लाया, मैं क्यों गाँव गाँव में एक लड़की है उन्हें देख लो, वैसे कहता कि बात बन जाओ। सब वन बुलाया, एक कमरा में बिठाया लड़का ने, लड़की ने दवानी पैसा खाई नहीं, क्यों नहीं देर तक बैठे रहा। फिर के बहन जी ने कतरा भाई बहन, एक भाई साहब अतरा दिन तक तो मैं तीन ही था का हुदी चार हो गया। साहब शादी ही वास्ते नहीं हो रही भाई। रोहित सुन ले, लॉकडाउन तो पहले मैं भी कुंवारो हूँ। रोहित जी मैं आपके लिए गीत लेने आयो, अगर वो गीत जो सुन ले हो और वो गीत अगर आपके पिताजी ने तो सुना दे हो तो जिशान मारी खुशिया को फानी पड़ी हो वैसे थकी भी पड़ जाएगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, ये तो मन साफ। लॉकडाउन पहली मैं भी सुनायो, अपना मामला सेट हो गया। भाग्य से उम्मीद करता हूँ जो तुम्हारे सुनाएंगे उनका भी हो जाएगा। हाँ तो साहब मैं टीम काफी लंबी है, मैं बिना किसी भूमिका से कुंवरों का गीत शुरू करता हूँ। अभी आटा तेज आने वाली है, एक कुंवरा अपने पिताजी से कहता है कि बाबूजी मेरा भी ब्याह करा दो, और वो क्या क्या समस्या गिनाता है वो सुनिएगा। आपका ताली से साथ चाहूंगा। स्वागत है भैया, स्वागत है। हे बापू, हे बापू, हे बापू, आज रे आखा तीज करवाते मारो ब्याह, आज रे आखा तीज करवाते मारो ब्याह, करवाते मारो ब्याह मारा चाचा मन का बाव। बापू आज रे आखा तीज करवाते मारो। बहुत बढ़िया भाई, वाह वाह वाह। सब उसके साथी सहेली बन जाते हैं तो भैया कहते हैं अरे परिया सारा अइला बैला डीजे बजायो जोर, अरे परिया सारा अइला बैला डीजे बजायो जोर, पर वाकी जोड़ी यू लागे छे ईसर संगण गोर, अरे नई बीनिया देख मारे होवे काल जे गांव। बापू आगिरे आखा तीज करवा दे मारो ब्याह, बापू आगिरे आखा तीज करवा दे मारो ब्याह। साहब ऐसा नहीं है कि रोहित जी जैसे प्रयास कर रहे हैं, वो भी प्रयास कर रहा था। रोहित जी कैसे प्रयास करते हैं दिन में वो सुनिएगा। अरे दिन में लड़ाऊ पतंग आंख सू कट जावे छे डोर, अरे दिन में पतंग लड़ाऊ आंख सू कट जावे छे डोर, गोटे गुड़ी डा खाऊ रात में कब होवेगी बोर, अरे काली खोड़ी अनपढ़ सू भी कर लूंगो ब्याह। बापू आगिरे आखा तीज करवा दे मारो ब्याह। साहब यदि शादी हो रही हो नहीं टेम पे तो छोरो भी नाटक करे, या तो काली है या खोड़ी है या पट्टी लिखी कौन है। यदि लेकिन 25-30 साल की उम्र हो जाए लड़की ने मिल रही है ना तो वो कहवा कि चाहे काली हो चाहे खोड़ी हो लड़की हो तो छाएगी बस ब्याह जरूर हो जाए तब वो कहवा। तो साहब अपनी मान्यता ले और वो अपने हिंदू रीति रिवाज में राजस्थानी की संस्कृति में अपने के मन में जी इच्छा हो पूरी न हो रही हो तो अपन देवी देवता के भी जावा, तो मैं भी देवी देवता क्यों और उठा कहीं प्रार्थना की थी। अरे दो क्या देवरा आस पास का पत्थर और जुजार, अरे दो क्यों देवरा आस पास का पत्थर और जुजार, पर गठजोड़ा की धोख लगाऊ आऊ बारंबार, सावरा बंधवा दे मर मोड़ तारे पैदल पैदल आओ। बापू आगिरे आखा तीज करवा दे मारो ब्याह, बापू आगिरे आखा तीज करवा दे मारो ब्याह।
क्या साहब अच्छो कुछ करता भी जितनी सभी संबंधों की ठिकाना न हो तो मैं एक दिन सोशल मीडिया का चक्कर में पड़ गई। सोशल मीडिया आप सब जानो ना, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप। इपक है आजकल का छोरा छोरिया को नाम लेकिन छोरिया को फोटो लगा फर्जी आई डी बना छोरों ही चेकिंग करे साहब मारा साथों की शान पर हाथ तो हो तो कई वजह सुनू मैं आपने। अरे डिपी देख कर बनियो पलो भर बात करी दो साल। अरे डिपी देख कर बनियो पलो भर बात करी दो साल। बात करी जब शादी की तो निकलो मन देख कर बनियो पलो भर बात करी दो साल। बात करी जब शादी की तो निकलो मांगी लाल मांझा चाचर सत्याना। आनंद है। अरे डिपी देख कर बनियो पलो भर बात करी दो साल। बात करी जब शादी की तो निकलो मांझी लाल मांझा चाचर सत्यानाश मारी डूबा दी रे ना बापू आगिरे आखाती ही करवा दे मारो ब्याह। साहब मैंने इस गीत के माध्यम से एक संदेश लिखने का प्रयास किया है। ऐसा नहीं है कि भगवान लड़कियां पैदा नहीं कर रहा है, और एक समस्या ये नहीं है कि हमारे सामने हजारों लड़के कुंवारे घूम रहे हैं। समस्या ये है कि ये कुंवारे क्यों घूम रहे हैं। भगवान ने लड़कियां पैदा की लेकिन हम ही लोग हैं जो लड़कियों को बचपन में ही मार रहे हैं। तो उस पिताजी के रूप में मैंने जवाब लिखने का प्रयास किया। एक पिताजी अपने बेटे को जवाब देते हैं, वो जवाब सुनूंगा और मेरे अपनी जगह लूंगा मैं। अगर जवाब आपको पसंद आ जाए तो मैं आपका तालियों से साथ चाहूंगा। पिताजी जवाब देते हैं, अरे एक नहीं है तू ही कुंवर हो घूमे कहीं हजार। अरे एक नहीं है तू ही कुंवर हो घूमे कहीं हजार। अर कन्यावध की खबर कई तू नहीं पढ़ी अखबार। अरे पुत्र मोह में घड़ो गोट कर फेंकी जाया माई बेटा निकले आखा तीज कुंसु होवे तारो ब्याह। बहुत शानदार, निकले आखा तीज कुंसु होवे तारो ब्याह। बहुत बहुत धन्यवाद।